डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिज़िक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे कि क्लास 12th में जो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ रहे थे, वो पार्थिव चुंबक को पढ़ना स्टार्ट किए थे। और इस पार्थिव चुंबक में हम लोगों ने चुंबकीय तीव्रता के बारे में पिछले दिन पढ़ा था। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि एक चुंबक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, रख दिया जाए, तो इधर से जो हम लोगों का यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो गति है वो इंटेंसिटी हो जाता है। ऐसे ऐसा करके हम लोग फिगर बनाए हुए थे, ताकि यहाँ से ये पता चल रहा था कि यहाँ पे चुंबकीय इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता का वैल्यू क्लोज हो रहा है, यानी कि सभी यहाँ पे पावरफुल होने के वजह से चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल आसपास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका चुंबकीय तीव्रता का कुछ प्रूफ भी है और उस प्रूफ को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे हम लोग एक बात को लिखे हुए थे, चलिए फिर से इसी के बारे में नीचे हम लोग लिखेंगे। लिखा जाए, माना कि पदार्थ का अपना चुंबकीय क्षेत्र BM है, तथा उस पदार्थ के रखने से पूर्व, क्योंकि ये पदार्थ है ना, ये क्या है, पदार्थ है, और इस पदार्थ के रखने से पूर्व, देखिए पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, BM, और पदार्थ को रखने से पहले चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ को रखने से पूर्व, रखने से पहले चुंबकीय क्षेत्र BO है। ठीक है, ये पदार्थ को रखने से पहले है, BO है, तो पदार्थ के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो पदार्थ के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र B=BO+BM। देखिए, बात समझिए, यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लिया कि अगर इस पदार्थ को नहीं रखा जा रहा था, तब इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना माना गया, हम लोग माने हुए हैं कि इसका बी नोट था, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को, सॉरी, उस पदार्थ को रखे, यानी कि कोई भी पदार्थ को यहाँ पे रख रहे हैं, खास करके ये चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि एक चुंबक हो सकता है, या चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित करने वाला पदार्थ, यानी कि लोहा हो सकता है, चुंबक हो सकता है, तो अगर ये चुंबकीय पदार्थ है, तो इस चुंबकीय पदार्थ का अपना क्षेत्र कितना है, BM, इस चुंबकीय पदार्थ का अपना क्षेत्र जो है BM है, और रखने से पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना था, बी नोट। आपको पता होगा कि हम लोग फिगर जो बनाए थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाए थे, लेकिन जैसे ही उस पदार्थ को रखे थे, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा हो गया, वो उसमें एक्सटेंशन आ गया, या डिप्रेशन आ गया बोल सकते हैं, क्योंकि तनाव हो गया, टेंशन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये पदार्थ नहीं था, तब का चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा था, बी नॉट, ये हम माने हुए हैं, सॉरी बी, हाँ बी नॉट माने हुए हैं, लेकिन जिस पदार्थ को यहाँ पे रख रहे हैं, उस पदार्थ का अपना चुंबकीय क्षेत्र कितना है, BM। तो इस तरीके से अगर हम पदार्थ का कुल चुंबकीय क्षेत्र बात करें, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र में कौन कौन सा ऐड होगा, तो BO और BM दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जो B बता रहा है, ये बता रहा है कुल चुंबकीय क्षेत्र। फिर लिखिएगा, हम जानते हैं कि B नॉट का मतलब होता है रखने से पहले का चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला कितना होता है, म्यू नॉट एच। ठीक है, ये हेनरी, और म्यू नॉट तो एक कांस्टेंट है, तथा
बीएम इज इक्वल टू, यानी कि इस चुंबकीय पदार्थ का कितना होता है, तो म्यू नोट, ये क्या है, तो ये है चुंबकीय, सॉरी ये है चुंबकत्व, क्योंकि कैपिटल एम से हम लोग किसको सूचित करते हैं, चुंबकन को सूचित करते हैं, सॉरी ये चुंबकन हो गया, ये हमारा हेनरी हो गया। हम जानते हैं कि बी नोट इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, म्यू नोट, यानी कि कांस्टेंट को एच से गुना करके भी लिखा जा सकता है, और बी एम इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू चुंबकन लिखा जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ किए हैं बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच और बी एम इज इक्वल टू म्यू नोट एम। तो दोस्तों हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको अगर समीकरण वन मानेंगे तो बी का तो फार्मूला बी नोट प्लस बी एम यहाँ पे लिखे हैं, तो बी नोट के जगह पे हम लोग म्यू नोट एच रख सकते हैं और इस बी एम के जगह पे म्यू नोट एम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या बात बन रहा है। तो यहाँ पे उसको समीकरण एक माने हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं समीकरण वन से। समीकरण वन क्या था, तो बी वैक्टर इज इक्वल टू बी नोट वैक्टर प्लस बी एम वैक्टर। अब बी ओ के जगह पे कितना रख सकते हैं हम लोग, तो म्यू नोट एच, ठीक है, एच वेक्टर भी लगा सकते हैं, म्यू नोट यहाँ चुंबकन एम वेक्टर। तो इस तरीके से इधर तो बी ही चलेगा ना, इधर तो बी वेक्टर चलेगा। अब बी वेक्टर अगर हम लोग चलेगा, यहाँ पे है एच के बारे में जो दोस्त हम हेनरी बोल रहे हैं ना, तो ये बाय मिस्टेक हो रहा था, ये एच हेनरी नहीं है, ये चुंबकीय तीव्रता है। ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता। अभी हम लोग निकालने वाले हैं इसका फार्मूला। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो फार्मूला यहाँ पे प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं ना, वो म्यू नोट एच, एच का मतलब चुंबकीय तीव्रता, एच मतलब चुंबकीय तीव्रता, और बी एम का जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो म्यू नोट इंटू एम, ठीक है। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच और बी एम इज इक्वल टू म्यू नोट एम, ये हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं प्रूफ करने में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यह ये हो गया। अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से बी इज इक्वल टू यहाँ से म्यू नोट कॉमन हो सकता है, तो म्यू नोट अगर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, एच प्लस एम। ध्यान रखिएगा एम को हम लोग बोलते हैं चुंबकन, एम को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकन, और एच को क्या बोलते हैं, तो एच को बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या मिला, बी इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच प्लस एम, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो इस म्यू नोट को हम लोग इधर डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो क्या बनेगा, वी वैक्टर बट्टा म्यू नोट इज इक्वल टू एच वैक्टर प्लस एम वैक्टर, ये दोनों बचेगा। अब फिर से अगर हम लोग को एच का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा वी वैक्टर बट्टा म्यू नोट माइनस एम वैक्टर इज इक्वल टू एच, ठीक है। इसलिए दोस्त यहाँ पे एच वैक्टर का जो वैल्यू आया वो कितना आया, बी वैक्टर बट्टा म्यू नोट माइनस एम वैक्टर। तो कुल मिलाकर हमें ये चीज़ें आ गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एच को ही हम लोग बोलते हैं क्या, चुंबकीय तीव्रता। ध्यान रखिएगा उस टाइम हम लोग हेनरी बोल दिए, ओ बाय मिस्टेक हमको लगा एच फॉर हेनरी, लेकिन यहाँ नहीं, एच का मतलब क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता, ध्यान रहे ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो चुंबकीय तीव्रता को एच से सूचित करते हैं, ध्यान रहेगा। और बी का तो मतलब जानते ही हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये म्यू नोट कांस्टेंट है जिसका मान होता है 4π × 10⁻⁷, और एम का मतलब होता है चुंबकन, ठीक है। तो ये हम लोगों का चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक आया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे लिख सकते हैं चुंबकीय तीव्रता को एच वेक्टर से सूचित किया जाता है, चुंबकीय तीव्रता को एच वेक्टर से सूचित किया जाता है, हो गया। चलिए हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी जिससे सूचित किया जाता है ऊपर अगर
तीर का निशान लगा रह जाए तब हम इसको वेक्टर बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो उसके नीचे लिखेंगे चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। उसके नीचे एरो देंगे एच वेक्टर का एसआई मात्रक, एच वेक्टर का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर होता है। याद रखिएगा चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। और हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि चुंबकन का भी जो एसआई मात्रक होता है, चुंबकन का भी वो भी क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि एम्पियर पर मीटर जो होता है वो एच का भी एसआई मात्रक होता है, एच मतलब चुंबकीय तीव्रता, और एम का भी एसआई मात्रक होता है, यानी एम मतलब चुंबकन। ठीक है, तो आप इस बात को नोट में करके लिख लिया जाए नोट, ताकि आपको याद रहेगा नोट वाले पॉइंट से। लिखा जाए चुंबकन, चुंबकन ब्रैकेट में एम वेक्टर तथा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता ब्रैकेट में एच वेक्टर का या एच वेक्टर दोनों का ही एसआई मात्रक, दोनों का ही एसआई मात्रक दोनों का ही ऐसे मात्रक समान होता है, समान होता है अर्थात, अर्थात एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक नोट करने के बाद एक क्वेश्चन लिखा जाए, लिखा जाए किसी चुंबक का चुंबकन, किसी चुंबक का चुंबकन, किसी चुंबक का चुंबकन 0.25 एम्पियर पर मीटर है यदि इसे, यदि इसे 10^4 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यदि इसे 10^4 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो, रखा जाए तो, रखा जाए तो, रखा जाए तो चुंबकीय तीव्रता का मान ज्ञात करें, चुंबकीय तीव्रता का मान ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो किसी भी चुंबक का चुंबकन दिया है, चुंबकन को हम लोग एम वेक्टर दिखाते हैं 0.25 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और कितना वाले ये चुंबकीय क्षेत्र में है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से सूचित करते हैं, दैट मीन्स 10^4 टेस्ला। ठीक है, अब हमें B का भी वैल्यू दे दिया, M का भी वैल्यू दे दिया, तो हमें पूछ रहा है कि आप किसका वैल्यू निकालो, चुंबकीय तीव्रता का, चुंबकीय तीव्रता का मतलब H वेक्टर का मान निकालना है, तो H वेक्टर का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप सूत्र से चलेंगे, सूत्र से कैसे भाई, तो H वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो H वेक्टर का फार्मूला होता है बी वैक्टर बट्टा म्यू नोट माइनस एम वैक्टर, जहाँ पे म्यू नोट का वैल्यू होता है, म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है पता है, तो 4π × 10^-7 हेनरी पर मीटर, ये हम लोगों का म्यू नोट का वैल्यू होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी के जगह पे यूज करेंगे ये, फिर इसको यूज करेंगे और फिर एम का वैल्यू यूज करेंगे और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो हम लोगों का आंसर आएगा ध्यान रहे दोस्तों एम्पियर पर मीटर में ही आएगा। ठीक है, एम्पियर पर मीटर में ही आएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखा जाए। उस चुंबक का चुंबकन का मान ज्ञात कीजिए, उस चुंबक का चुंबकन का मान ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी चुंबकीय तीव्रता, जिसकी चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्रमशः क्रमशः 5.5 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर एवं एवं 5.5 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर एवं एवं 2π × 10⁴ टेस्ला है, टेस्ला है। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सवाल बोल रहा है। हमें सवाल में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है, अब कैसे पता चलेगा भाई कि ये जो है एम्पियर पर मीटर चुंबकन है कि चुंबकीय तीव्रता है, कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे बोल रहा है चुंबकन का मान निकालने के लिए, तो ये चुंबकीय तीव्रता ही होगा ना। तो यहाँ पे एच वैक्टर का वैल्यू दिया 5.5 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। अब बोला जा रहा है कि कितना टेस्ला में रखा गया है, यानी इसमें चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का मान क्रमशः करके लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू एच का वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू बी हो गया, कितना 2π × 10⁴ टेस्ला। ये भी वही है, 10⁴ दोनों में ही है। और जैसा कि म्यू नोट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं म्यू नोट का वैल्यू, तो म्यू नोट का वैल्यू जानते हैं 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू निकाल देना है, यहाँ से आपको चुंबकन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग दोबारा से वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला, एच वैक्टर इज इक्वल टू वी वैक्टर बाई यू म्यू नोट माइनस एम वैक्टर। इसमें आप एच का वैल्यू रखिएगा, बी का वैल्यू, यू का वैल्यू और एम का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ध्यान रहे एम का भी वैल्यू जो आंसर आएगा वो एम्पियर पर मीटर में ही आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रूफ करके हम लोग ज़रूर इस न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबकशीलता। क्या नाम है उसका, चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता के टॉपिक्स को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।